और उल्लेख करें आप? विश्वविद्यालय में बहुत तरह के स्टूडेंट आते हैं, मतलब हर एक सेक्शन के लोग आते हैं, तो हमारे यहाँ लगभग, अब मैं बताऊँ कि लगभग 25 से 30% ऐसा बच्चा आता है जिनकी बैकग्राउंड जो है वो फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग नहीं होते जी, या सोशल लेवल पे बहुत डिप्राइव्ड बच्चे भी आते हैं, क्योंकि पूरे देश से बच्चा आता है, लगभग 23 राज्यों से मेरे यहाँ बच्चे हैं, उसमें बिहार यूपी के भी बच्चे हैं, सुदूर नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, साउथ के बच्चे भी आपको होंगे, इवन एक समय करगिल का भी बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता था, तो वो अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते थे, तो इन सबको, सबका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी उतना स्ट्रांग नहीं होता, तो हम उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स को लेके हम लोग काम करते हैं कि अगर बच्चा फीस नहीं दे पा रहा है या उसकी लेवल्स कितनी है, तो हम एक शिक्षा मित्र स्कॉलरशिप लॉन्च करते हैं और वो ओपन एंडेड है, ऐसा नहीं कि हम 50 लाख या 1 करोड़ तक ही जाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं, अगर रिक्वायरमेंट है तो वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि इन बच्चों को हम ये स्कॉलरशिप दे पाए, तो एक तो वो पक्ष है जिसमें कि हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, कई ऐसे फ्रीशिप भी दिए गए हैं जो कि बिल्कुल बच्चे गरीब हैं, उनके पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन वो कोर्स करना चाहते हैं, तो 100% फ्रीशिप में भी उन बच्चों को पढ़ाया गया, अच्छा लगता है जब वो बच्चे कहीं कुछ करके आते हैं और हम लोग को बताते हैं कि आप लोगों ने जो मदद की थी उससे हम लोग कहीं प्लेस्ड हो गए हैं, यहाँ अपना व्यवसाय शुरू कर चुके हैं, तो एक अच्छी फीलिंग मन में आती है और विश्वविद्यालय को भी गर्व लगता है कि हाँ हमने किसी बच्चे की मदद की थी और आज अपने पाँव पर खड़ा है, ऐसे कई बच्चे हैं, कल ही एक स्टूडेंट आई थी जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, माँ बाप नहीं हैं, दो छोटे भाई बहन हैं, वो खुद अपने पैरों पे खड़े होकर पढ़ के आशा कार्यकर्ता के रूप में पहले उसने ज्वाइन किया, पढ़ाई लिखाई पूरी की, लेकिन अब शायद उसकी जॉब लग गई है, कल आई थी वो बिटिया और उसने कहा कि सर आप लोग के सहयोग से मैं यहाँ तक आगे बढ़ पाई हूँ, मैं अपने बच्चों अपने भाई बहनों को अब कम से कम मैं आगे अच्छी तरह पालन पोषण कर पाऊंगी। डॉक्टर साहब, अभी जैसा आपने भी उल्लेख किया कि आप इंजीनियरिंग कराने के साथ साथ और बच्चों की और रुचि के भी कई कोर्सेज संचालित आपके यहाँ होते हैं ताकि वो अपनी जो है और यदि वो किसी तरह की टैलेंट दिखाना चाहता तो उसमें भी वो आगे आ सकता है, नई शिक्षा नीति भी जो है उसमें भी इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। नई शिक्षा नीति जो मध्य प्रदेश में लागू की गई है उसको लेकर आप क्या सोच रखते हैं और किस तरह से देखते हैं कि वो छात्रों के भविष्य को लेकर कितनी कारगर सिद्ध हो सकती है? सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि एनईपी को लाया गया, लेट हो गया, मतलब ये और पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि जो प्रावधान एनईपी में किए गए हैं मुझे लगता है ये बहुत अच्छे प्रावधान होंगे और भविष्य में इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो कन्वेंशनल मेथड था पढ़ाने का उसमें हम कोई भी स्किल की बात नहीं, हमने शुरू कर दिया था, हमें लगा था कि कर दें, लेकिन अब एज ए होल मतलब पूरे एजुकेशन सिस्टम में इस इको सिस्टम को ठीक करने की जहाँ तक बात है उसमें ही बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर स्किल अगर बच्चे के पास आती तो अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा आज की डेट में हम देखने को मिलता है वो कम से कम कम होगा, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बच्चा जा सकता है। दूसरा, हम अपने जड़ों से अपनी संस्कृति अपने समाज से बहुत दूर हो गए थे और समाज से तो बहुत ही कट गए थे, वो भी कुछ कोर्सेज ऐड हुए हैं कि मतलब एक आपको जो कंपोनेंट्स हैं उसमें आपका एक कोर सब्जेक्ट है जो कि मेजर होगा, एक माइनर सब्जेक्ट होगा, फिर आपको समाज से सरोकार के सब्जेक्ट और एबिलिटी के सब्जेक्ट्स होंगे और एक स्किल का सब्जेक्ट होगा, तो ये लगभग कॉम्प्रिहेंसिव एक पैकेज है जिसमें कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो बात करते हैं वो हो सकता है इसमें, और हम लोग तो खैर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और इसका परिणाम भी हम लोग के सामने है, तो ये एक अच्छा स्टेप है और मुझे लगता है कि हम लोग ने शुरू कर दिया है, अभी रिसेंट लॉन्च भी हुआ था हमारे मध्य प्रदेश में, नेशनल लेवल पे तो बहुत एक साल पहले लॉन्च हो गया, और जो एक सबसे बड़ी कमी हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में रिसर्च को लेके थी, रिसर्च पॉइंट ऑफ माइंड नहीं क्रिएट कर पाते थे हम, वो इस बार अब होगा, अब ये हुआ ये है कि नॉर्मल कोर्स है अगर ग्रेजुएशन स्टूडेंट कर रहा है तो उसको 3 साल ग्रेजुएशन के कोर्स करेगा, ग्रेजुएट हो सकता है, लेकिन अगर उसको रिसर्च में आगे बढ़ना है तो वो 1 साल का ऑनर्स करेगा और रिसर्च में ऑनर्स होगा, और पीजी करना चाहता है रिसर्च में तो 1 साल और करके वो पीजी रिसर्च का कर लेगा, पहले इसको एमफिल कहा जाता था लेकिन अब इसको एक फॉर्मल सिस्टम में लिया गया है और इसमें एक बेंचमार्किंग भी की है कि जिनके 75% मार्क्स आएंगे वही आगे जा पाएंगे रिसर्च में, तो एक जो रिसर्च को लेके गैप हमारे यहाँ है उसको मुझे लगता है कि हम फिल कर पाएंगे, और जो एक जो एम्प्लॉयमेंट गैप जो इस समय दिखता है हमें वो शायद कम कर पाएंगे स्किल एनहांसमेंट के रूप में, और समाज से जुड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे बहुत दूर हो चुके हैं समाज से, हमारे अपनी संस्कृति से बहुत दूर हो गए, तो मुझे लगता है ये जोड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट हम लोग को भविष्य में मिलेंगे। डॉक्टर साहब, अभी
तकरीबन तकरीबन 2 साल हो गए हैं, हमारा पूरा देश जो है कोरोना से जूझ रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा यदि कुछ नुकसान हुआ है तो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में जो है इसने बहुत एक डेंट लगाने का काम किया है कोरोना ने, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी। इस दौरान बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, उनकी किसी तरह से पढ़ाई में नुकसान ना हो, उसके लिए आप लोगों के क्या एफर्ट्स थे और क्या रिजल्ट्स उसके आए? देखिए, फेस टू फेस का कोई कंपैरिजन नहीं है अभी भी, है ना। हमारे यहाँ तो गुरुकुल में था कि हम आमने सामने बैठे हैं और दिन प्रतिदिन जो गुरु आदेश करें वैसा करें, वैसा ही मुझे लगता है कि होना चाहिए, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि जिसमें हम ये कर पाएं। लेकिन हम लोग ने जो किया वो मेरे ख्याल से मेरे को बताने में अच्छा लगेगा कि जब पहला लॉकडाउन लगा था 20 मार्च के आसपास, उस समय अचानक बिल्कुल ब्लैकआउट जैसा हो गया था कि हम आगे करें क्या। लेकिन फिर हम लोग ने वही ऑनलाइन मेथड्स में हम लोग ने अपनी पूरी टीम से बात करी, जिसमें मैनेजमेंट के लोग भी थे, टीचर्स भी थे, एडमिन के लोग भी थे, और सबने मिलके डिसाइड किया कि किस तरह से, मतलब एक प्लान बनाया कि किस तरह से होगा। चूंकि एग्ज़ाम का टाइम भी आ गया था, सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होने थे, तो एग्ज़ाम एक था और साथ में कोर्स कंप्लीट करने की भी बात थी, तो उस समय हम लोगों ने लगभग एक हफ्ते के अंदर और जूम जो प्लेटफॉर्म था उस समय वो अवेलेबल था, उस पर हम लोगों ने क्लासेस अपनी लॉन्च की। बच्चों से संपर्क किया गया कि भाई आपकी कनेक्टिविटी क्या स्थिति है। फिर हम लोगों ने एक काम और किया उस दौरान कि अगर मान लो कनेक्टिविटी अगर नहीं है तो पढ़ाई हैम्पर होगी, तो हम लोगों ने कुछ वीडियो लेक्चर्स भी रिकॉर्ड किए घर पे सारे टीचर्स मिलके, और अपना अपना वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करते थे, और अगर बच्चा अगर उस जूम प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाया तो उसको हम लोग मेल कर देते थे जी। प्लस एक हमारा एक एडवांस प्लान तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हम लोग कर रहे थे इसको, ब्लेंडेड मोड की तैयारी हमारी थी कि हम लोग अपने कंटेंट्स जो थे वेबसाइट पे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास पहले से ही था, तो कंटेंट बहुत सारा हमारे पास था जो कि हम लोग वेबसाइट पे रखे हुए थे, तो उनको भी एक्सेस दे दिया गया कि भाई आप पढ़ लीजिए इससे। प्लस वीडियो कंटेंट हम लोगों ने उनको भेजा, क्लासेस भी हम लोगों ने वैसे ही ऑनलाइन चलाई, तो कुछ हद तक हम लोग अपना जो गतिविधियां थी पूरी कर पाए। कई बच्चे थे जिनके पास एक्सेस नहीं था, जो ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के भी बच्चे थे, इधर नॉर्थ के भी बच्चे थे जहाँ हिली एरियाज थे वहाँ शायद नहीं मिल पाए, लेकिन फिर भी कोशिश की गई कि सब तक पहुँच पाए, और लगभग हम लोग सफल भी रहे उसमें। फिर एक जैसे ही कोर्स कंप्लीट हुआ तो हम लोग को अब लगा चैलेंज था कि एग्जाम कैसे होगा, तो हम लोग फॉर्चुनेट है, हम लोग सबसे पहले क्लेम भी कर सकते हैं कि हम सबसे पहले यूनिवर्सिटी थे जिनने कि एग्जामिनेशन की प्लानिंग करके और एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन हम लोगों ने किया, और जो सिस्टम बना था हमारे पास था एक सिस्टम, उसको और इम्प्रूव किया गया, और बच्चों को मोबाइल पे, उनके मोबाइल पे उनकी सुविधा अनुसार समय के हिसाब से उनको एक्सेस दिया गया, और उनसे एग्जामिनेशन ऑनलाइन। इस काम को करने के लिए लगभग हमारे को 3 लाख क्वेश्चंस बनाने थे, वो हिंदी इंग्लिश में होने थे, तो हिंदी और इंग्लिश बायलिंगुअल बनाना था और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में होना था, तो 15 दिन के अंदर सारी फैकल्टीज ने मिलकर लगभग 3 लाख क्वेश्चंस, बड़ा चैलेंजिंग टास्क था, और उसको फिर कंप्यूटर में डालना, मतलब उसकी लैंग्वेज में डालना, वो भी एक टफ टास्क था। तो आईटी टीम ने भी घर पे पूरा काम किया और टीचिंग फैकल्टीज ने भी किया, तो एक ज्वाइंट एफर्ट था जिससे कि बच्चों का समय पे एग्जाम लिया गया, समय पे रिजल्ट निकाला गया। चूंकि वो फाइनल सेमेस्टर के बच्चे थे, जून में एग्जाम करते तो बच्चों को आगे पढ़ना था या कहीं जॉब्स की बात थी, तो लगभग हम लोगों ने समय पे पूरे एग्जाम्स कंडक्ट किए, और आज भी अभी चल रहा है अभी, चूंकि कॉलेजेस अभी भी नहीं खुले, लेकिन अब शायद हम लोग सोचते हैं कि ब्लेंडेड मोड में हम लोग और बेहतर कर पाएंगे, या फिर बच्चों को हम लोग बुलाएं। डॉक्टर साहब, चलते चलते आखिरी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इतनी सारी उपलब्धियां, इतना सारा आपने बच्चों के शिक्षा को बेहतर शिक्षा के साथ साथ रोजगार परक शिक्षा देने के लिए जो आपकी यूनिवर्सिटी ने काम किया है, आने वाले फ्यूचर प्लान्स पे मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें, और क्या कुछ नया अब रवीन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा जिनको जो लगता है कि जो औरों से हटके हो? देखिए, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन तो खैर हमारे पास पहले से ही था, और उस टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड कर रहे हैं, और बहुत सारा फोकस अब हम लोग करेंगे इंडस्ट्री के साथ जो काम करने की जो बात है जी, जो कि हमारे देश में कम है, लेकिन बाहर के देशों में हमने एनालिसिस किया, सर्वे किया, तो इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज की बात बारे में हम लोग ज़्यादा काम करना चाहते हैं कि इंडस्ट्री में इंडक्ट हो जाए बच्चा, एब्जॉर्व हो जाए, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरा, स्किल्स को लेके और इंक्यूबेशन स्टार्टअप को लेके, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा सेटअप है, तो उसको लेके हम लोग सिंसियर हैं और उस पर हम लोग काम करना चाहते हैं। तीसरा, हम लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो लिबरल आर्ट्स को लेके जो एक गैप है मध्य प्रदेश में खासकर, उसको हम लोगों ने फुल करने की कोशिश की है। एक बड़ा सेटअप हम लोगों ने, फिजिकल सेटअप अपने यहाँ बनाया है, और
जैसे मैंने कहा ड्रामेटिक्स के उसमें, पेंटिंग में, आर्ट्स में, म्यूजिक में, इन सब पे हम लोगों ने एक बड़ा प्लान किया है और लॉन्च कर दिया है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है हम लोग को। और इसमें देश के बड़े नामी गिरामी जो लोग हैं, मतलब जो शिक्षा दीक्षा देंगे, वो लोग शामिल हैं और वो लगभग कोर्सेज मेरे ख्याल से अगले 15 दिन में रोल आउट हो जाएंगे। और इनमें बहुत सारे बच्चों को नया कुछ सीखने को मिलेगा। और जो कोर्सेज अभी दिल्ली बॉम्बे ऐसे बड़े शहरों में थे जी, और छोटे शहरों में उसकी वैल्यू बहुत कम थी, तो उसको हम लोग ने अपग्रेड करके कोशिश की है कि वैसा हो। और स्किल्स को लेकर जो हमारा काम था वो लगातार चल रहा है और उसको और एनहांस कर रहे हैं कि ऑनलाइन किस तरह से किया जा सके स्किल की ट्रेनिंग को, और प्रैक्टिकल्स कैसे स्किल्स के हो पाएं, उनके एग्जामिनेशन कैसे हो पाए, ये हम लोग की कोशिश रहेगी। डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि जिस तरह की कोशिशें आप लोगों द्वारा की जा रही हैं कि बेहतर यूनिवर्सिटी नहीं, उस यूनिवर्सिटी से निकले हुए स्टूडेंट्स भी देश का नाम रोशन करें, प्रदेश का नाम रोशन करें और एक बेहतर उज्ज्वल भविष्य की ओर आगे जाएं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ, अगली कड़ी में किसी और शख्सियत के साथ हम मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।